हेलो चिल्ड्रन, और आज हमें अक्षर उ को नोटबुक में करना है। ठीक है, तो ये कौन सा अक्षर है? उ से उन, याद रखना है आपको। ठीक है, उ से उल्लू वाला उ और उ से ऊन वाला उ, आपको याद रखना है कि इनमें क्या फर्क है। ठीक है, तो ये दूसरा उ है ना, उ से ऊन और उ से ऊट। ठीक है, यस, आपने प्रैक्टिस किया ही होगा। और अभी हम उ से उन को नोटबुक में लिखेंगे। सो पेरेंट्स, उ से उन बनाने के लिए, उसके एक्टिविटी करने के लिए आपको ये पिक्चर ऐसे ड्रॉ करके देना पड़ेगा बच्चों को, और हमें उस पे उन पेस्ट करना है। ये देखो, अगर आपके पास उन है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कलर कर सकते हो। ठीक है, ऊन है तो अच्छी बात है, बच्चों को थोड़ा फील करने में पता चलता है कि ऊन क्या होता है ना, तो इसको ये डायरेक्टली फील कर सकते हैं। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो बच्चों, हमें पहले क्या करना है, इस ऊन वाले पिक्चर में हमें ये करना है, गम लगाना है। ठीक है, गम लगा के हम इसमें क्या करेंगे, ऊन को पेस्ट करेंगे। ठीक है, जो ये धागे है ना ऊन के, उसको हम पेस्ट करेंगे। और देख लो, इसको हाथ लगा के फील कर लो, कैसा है ये धागा, ऊन वाला, सॉफ्ट है ना? यस, ये सॉफ्ट होता है धागा, हार्ड होता है क्या? नहीं, ये कंसेप्ट भी आप यहाँ पे समझ जाना, इसको आप फील करो ऐसे, तो ये सॉफ्ट है। ऊन कैसे होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे मम्मा कटिंग करके ऐसे आपको ये धागे देगी, तो आपको क्या करना है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यस, तो अभी हम इसको पेस्ट करेंगे। अगर कहीं कम ज्यादा होता है धागा तो आप इसको कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लगा लेना, कोई नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो हम इसमें अभी ये ऊन के धागे ऐसे पेस्ट करेंगे। तो आपको ये इसी तरह से पूरी तरह से आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। ठीक है, ऊन के धागों को, नहीं तो आप इसको बारीक बारीक ऐसे कट करके ना, जैसे कि एकदम बारीक कट करके भी इसको आप पेस्ट कर सकते हो। आपके हिसाब से, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, आप इसको पेस्ट कर सकते हो, बट ये पूरा आपको पेस्ट करना है। इसके बारीक बारीक धागे बना के भी आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यस, तो इसी तरह से आपको ये पूरा पेस्ट करना है। अभी अगर मैं पूरा पेस्ट कर ले जाती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, लंबा बनेगा, है ना, लंबा बनेगा। तो मैं अभी आपको बस आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरह से पेस्ट करना है, बाकी आप पूरा बच्चों से खुद पेस्ट करवा लेना। इसमें अगर आपको ऐसी डिफिकल्टी हो रही है एक एक पेस्ट करने में, तो आप ऐसे बारीक बारीक, जैसे इसको बारीक एकदम ऐसे ये करके, बारीक बारीक ऐसे पीस करके इसके ऊपर ऐसे भी आप इसको पेस्ट बच्चों से करा सकते हो। दोनों में से आपको जो भी इजी लगता है ना पेरेंट्स, आप उसको करा लेना। ठीक है, तो अभी ये मुझे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं अभी यहीं पे इसको स्टॉप कर रही हूँ, बट आपको ये पूरा फिनिश करना है बच्चों से। ठीक है, इस तरह से आप छोटे छोटे टुकड़े भी इसके आप यहाँ पे पेस्ट करा सकते हो। तो ये पूरा आप करके इसको फिनिश करना अच्छी तरह से। ठीक है, और बच्चों को इसको आपको पूछना है कि आपको ये कैसे लग रहा है ना, फील कैसे हो रहा है इसको, अगर आप टच कर रहे हो तो ये कैसे फील हो रहा है? तो ये सॉफ्ट है। ये क्या है? सॉफ्ट। जब हम हार्ड एंड सॉफ्ट का कंसेप्ट सीखेंगे तो इसमें हम ये एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों को कि ये सॉफ्ट है। ऊन कैसे होता है? सॉफ्ट। ठीक है, और ये हम ऊन का कब यूज करते हैं? ऊन के कपड़े हम सर्दी में यूज करते हैं। ठीक है, थीके? सर्दी से, ठंडी से बचने के लिए। तो ये एक्टिविटी आप फिनिश कर लेना, एंड देन आफ्टर आपको ऊ लिखना है ना बच्चों? और आप सबको तो पता ही है ऊ कैसे लिखते हैं, है ना? यस, तो यहाँ पे आपको फोर डॉट पे ऐसे ऊ फिनिश करना है। ठीक है, बट वर्क कैसे होना चाहिए? यस, नीट एंड क्लीन। यस, तो ऐसे ही आपको अक्षर ऊ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, यस, और ये वाला पेज भी आपको फिनिश करके अक्षर उ की प्रैक्टिस करनी है।
सो थैंक यू एंड बाय बाय चिल्ड्रन।